बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुबहाना व तआला का लाख लाख फजल है कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझे हल्के याकूबपुरे से इलेक्शन लड़ने का मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट पे जो मौका दिया है, मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जनाब अहमद पाशा खादरी साहब मोहतमद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो MLA याकूबपुरा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे बड़े भाई जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA चारमीनार, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम याकूबपुरे की आवाम का तहे दिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि उनको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझे मुंतखब किया है हल्के याकूबपुरे की आवाम की खिदमत के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर खिदमत को बराबर अंजाम दूंगा। अल्लाह का करम है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुझे 2009 में शहर हैदराबाद का मेयर बनने का, डिप्टी मेयर बनने का जो मौका दिया, मैंने 2 साल एज ए डिप्टी मेयर काम किया। बाद में 2014 में जमात ने मुझे अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली का MLA का टिकट दे के मुझे मुंतखब जो अवाम की है। उसके बाद 2018 में नामपल्ली का भी जो टिकट दे के मुझे नामपल्ली के अवाम ने जो मुंतखब किया है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से नामपल्ली की अवाम को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितने दिन भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहा, अल्लाह उसके रसूल का हाजिर और नाजिर जान के जितना हो सकता काम किया, आइंदा भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो नए उम्मीदवार जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब साबिका मेरे, इनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि मुझसे बेहतर काम करके नामपल्ली के अवाम का आप न सिर्फ दिल जीतेंगे बल्कि नामपल्ली अवाम की मुतमईन करेंगे। अब रहा सवाल याकूबपुरे का, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं। मैं अभी यहां पर तालाब कट्टे में आया हूं, हमारे बड़े भाई जनाब मम्मी भाई साहब के घर, उसके बाद सुलेमान डेयरी यहाँ पर आया। और एक चीज़, नामपल्ली के बाद में मुझे जो यहाँ पर मौका मिला है जनाब यासर अरफा साहब 2014 में मेरे इलेक्शन के जिम्मेदार थे और नामपल्ली के इंचार्ज थे, उसके बाद में 2018 में यासर अरफा साहब को याकूबपुरे की जिम्मेदारी दी गई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि यासर अरफा साहब के साथ मुझे फिर दोबारा याकूबपुरे के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह याकूबपुरे की आवाम को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खायदीन को कभी नाराज नहीं करूंगा। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि जो भी जायज़ काम मुझसे हो सके वो तमाम के तमाम जायज़ काम को मुकम्मल करने के लिए। फिर एक मरतबा अभी जो यहाँ पर इस्तकबाल किया गया है, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चूंकि नाम है नाम से इसलिए शुक्रिया नहीं अदा कर सकता क्योंकि इतनी बड़ी फेरिस है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ब ज़रूर एक टाइम ऐसा आएगा हर आदमी का नाम लेके शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग की जो मोहब्बत है मैं जानता हूँ कि याकूबपुरे की आवाम की मोहब्बत ऐसी है कि पहले तो किसी को अपना बोलते ही नहीं, अगर अपना बोले तो छोड़ते ही नहीं। बड़ी उम्मीद से सदर मजलिस ने मुझे यहाँ पर जो भिजाया है, इंशाअल्लाह ताला मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा, जो भी मसाइल है जरूर ब जरूर हल करने की कोशिश करूँगा। फिर मेरा साहब जो है उनके वालिद के जमाने से जैसे मजलिस से वाबस्ता रहे हैं, उनके वालिद 67 में जैसी तरह वापस रहे थे, कामयाब हुए थे, समझ में गए थे, बल्कि उन्हीं की जो है उनके जो है सिलसिले से है, अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छा काम करेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अब की मरतबा याकूबपुरा एक मिसाल बना देगा और इतनी भारी अक्सरियत से याकूबपुरा न सिर्फ कामयाबी देगा कि सदर मजलिस खुद ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह याकूबपुरा एक और चंद्रनगुट्टा और बहादुरपुरा बन चुका है। ये उम्मीद के साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।